सैयद अब्दुल्ला मेरा नाम है और यहाँ पे जो आज हम लोग आए हैं उसका एक सबसे बड़ा जो काम यहाँ करने आए हैं वो ये है कि तंबाकू जो जिस तरीके से सेवन किया जा रहा है आजकल के जवान जो इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो 11 साल की लड़कियाँ सिगरेट स्मोकिंग की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। इस चीज़ को हमें कैसे रोकना है, परिवारों में हम लोगों को कैसे अवेयरनेस करनी है कि हम इन लोगों को रोक सकें। अगर आज हम बड़ों को नहीं रोकेंगे तो हमारे ख्याल से ये आने वाला समाज ऐसा हो जाएगा कि अनाज से ज़्यादा हम सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने लगेंगे। तो इस आज इतनी खुशी के दिन पे हम सिर्फ आज सभी लोगों से एक जो है कहेंगे कि आप लोग एक कसम खाएं कि हम सब लोग मिलकर जो है तंबाकू को ख़त्म करें। इस जो कंपनीज हैं जो इसका फ़ायदा उठा रही हैं, जिनका एक लक्ष्य बना हुआ है कि हम आज के जितने भी यूथ्स हैं उनको पकड़ें, वो हमारे कल के रेगुलर कस्टमर्स बने, तो उनके इस जो एम उनका चल रहा है उसको हम तोड़ सकें आज के दिन। और आज हम सब कसम खाएंगे ये मिलके कि हम अपने जवानों को हर हालत में जो है इस जहर से बचाएंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा और दूसरी चीज़, जिस चीज़ के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं, डॉक्टर रावत साहब ने जिस चीज़ के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया, मयंक जी ने, डॉक्टर साहब ने, तो इसका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम इस तंबाकू निषेध पर काम करें, जो कि बहुत जानलेवा चीज़ है। अगर इस आप इसको देखें पैम्पलेट को तो इसमें सारे नुकसान लिखे हुए हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि बताया जा रहा है लोगों को एक दिन में किस तरीके से मौतें हो रही हैं, कितने ज़्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन आज के यूथ को एक समझ में नहीं आता। ये एक ट्रेंड बन गया है कि सिगरेट नहीं पिएंगे तो शायद हमें समाज में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन प्लीज़ आज जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, इस खुशी के दिन में आज हम लोग सब लोग प्लीज़ इस चीज़ को कहें कि आज से हम हर घर में एक यहाँ पे जो यहाँ पे पैम्पलेट दिया गया है इसको बाहर अपने घर के लगाएं, ताकि आने वाला हर मेहमान इस चीज़ को पढ़े और तंबाकू से दूर भागे।